नमस्कार। अभी कोरोना वायरस के चलते आपने बहुत सारे वनस्पतियों के बारे में सुना होगा कि जिनका प्रयोग जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए या फिर ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए कारगर है। इवन गवर्नमेंट की साइट पे, आयुष की साइट पे भी इस प्रकार की उपयोगी वनस्पतियों की लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले की गई है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो वनस्पतियाँ हैं जैसे कि हल्दी, इन चीज़ों को किस मात्रा में यूज़ किया जाए और किस प्रकार से यूज़ किया जाए ताकि ये जो हल्दी है सिर्फ आपकी मसाले की चीज़ ना बन के रहे बट आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और आपको हेल्थ हजार्ड से बचाने के लिए कारगर हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि हल्दी पेट में से सीधी एब्सॉर्ब नहीं होती। अगर आपको अगर चाहिए कि हल्दी आपके सार्वदैहिक इम्यूनिटी को बढ़ाए, अगर आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दे, तो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाए इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसके दो आसान तरीके हैं। सबसे पहला, एक तो इसे हम पिपली के चूर्ण में मिला दे, 1 चम्मच हल्दी में चौथाई चम्मच पिपली का चूर्ण मिला दे, या फिर दूसरा इसे हम घी में थोड़ा सा भून ले। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये हल्दी आपके लिए दवा साबित होगी, किस प्रकार से इस मसाले को आप दवा में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए। ये जो हल्दी है लगभग 3 ग्राम तक के हम इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हमें ये पता नहीं होता कि 3 ग्राम मतलब एग्जैक्टली होता कितना है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि 3 ग्राम मतलब आपका एक डोज कितना होता है। ये हमने एक अच्छी क्वालिटी की हल्दी ले ली, हो सके तो आप ऑर्गेनिक हल्दी ले, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हमने लगभग यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल चम्मच से अगर हम लगभग पूरा ऊंचा ना भरते हुए 1 चम्मच लेते हैं तो इतनी होती है 3 ग्राम, और ये आपकी एक समय की मेडिसिनल क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में आपको हल्दी लेनी है। ज़रूरत पड़ने पर ये क्वांटिटी हम दिन में 3 से 4 बार रिपीट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस हल्दी को हमने घी के साथ कैसे प्रोसेस करना है। इस घी को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए कोई भी एक हीट करने के लिए प्लेट, आप तवा भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई फ्राइंग पैन यूज़ कर सकते हो। उसमें हम थोड़ा सा घी डालने वाले हैं, मतलब जितनी हमारे पास हल्दी है उस हल्दी से लगभग चौथाई क्वांटिटी में मतलब लगभग एक ग्राम तक के हम इसमें हल्दी में घी डालेंगे। इंडक्शन शुरू कर लेंगे और इस हल्दी को हम उसमें डाल लेंगे। इसे हमें धीरे धीरे भूनना है जब तक के ये थोड़ा सा रंग चेंज होके रेडिश ना हो जाए। ये करने में आपको लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए किस प्रकार से मेडिसिन आपकी बनती है। इस प्रकार से हमने इस हल्दी को भून लिया है, आप देख पा रहे होगे अगर, तो इसका जो कलर है ये कच्ची हल्दी की तुलना में काफ़ी डार्क हो गया है। ये जैसे अगर आप कच्ची हल्दी देख सकते हैं, तो इस कच्ची हल्दी की तुलना में घी में भूनने के बाद इसका कलर जो है काफ़ी डार्क हो गया है। तो अभी ये जो मसाले की हल्दी है ये आपकी औषधियुक्त हल्दी में कन्वर्ट हो गई है, और इसको आप 3 ग्राम की मात्रा में मतलब कि लगभग 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार आपने इसे कंज्यूम करना है। किस प्रकार से इसे कंज्यूम करना है वो भी हम देखते हैं। ये जो भुनी हुई हल्दी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा श्वसन संस्थान के रोगों के अलावा ये जो है अलग अलग प्रकार के इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। राइट फ्रॉम जॉइंट पेन से लेके कैंसर तक के अलग अलग विकारों में हल्दी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो इस हल्दी को जैसे कि अभी हमने देखा 3 ग्राम की मात्रा में हमें दिन में 4 बार यूज़ करना है। किन किन चीज़ों के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है उसके भी बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आपको गले में खराश हो तब इसे घी और
शहद के साथ मिला के हम यूज़ कर सकते हैं, चाटना है इसे, इससे गले की खराश में और सूजन में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है उस वक्त पे इस भुनी हुई हल्दी में थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ी सी सौंठ की पाउडर 1/4 चम्मच और थोड़ी सी दालचीनी की पाउडर 1/4 चम्मच, इनको डाल के घी और शहद के साथ मिला के, 1-1 चम्मच घी और शहद हम इसमें मिक्स करेंगे, उसके साथ मिला के दिन में बार बार 4 से 6 बार चाटने से आपकी बलगम वाली खांसी में आराम मिलेगा, खांसी छूटने में हेल्प होगी, अंदर में जो फेफड़ों में सूजन आई है उसमें राहत मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपको पता होगा हमारे भारत में लगभग 5 से 6 हज़ार सालों से हल्दी का यूज़ होने के प्रूफ्स है, इसके बावजूद अमेरिका ने पेटेंट क्लेम किया था हमारी इस परंपरागत हल्दी के ऊपर, और हमने बहुत सारे प्रयासों के पश्चात हमारे देश की ये धरोहर जो है उसका पेटेंट वापस प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है कुछ साल पहले, और अभी ये आपकी बारी है जब आप इस बहुगुणी औषधि को अपने हेल्थ के लिए यूज़ करिए। ध्यान रखिए, कोई भी मसाले की चीज़, कोई भी हर्ब, ये एक मसाले की चीज़ और औषधि, इसमें डिफरेंस यही होता है कि औषधि विशिष्ट मात्रा में और विशिष्ट प्रकार से खाई जाती है, और मसाले वो तो हम स्वाद के अनुसार यूज़ करते हैं। तो यही जो आपकी हल्दी है आपको बहुत अच्छा काम करेगी। अभी जो हमने आपको तरीका और डोज बताया उसे ध्यान रखिए, और जब तक कि ये सिम्टम्स आपके परसिस्ट रहते हैं, मतलब कम से कम 4 से 6 दिनों के लिए आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली करनी है। अगर 2-3 दिनों में आपको ऐसा मालूम होता है कि आपके लक्षण ठीक होने के बजाय बढ़ रहे हैं, तो तुरंत आपने किसी चिकित्सक की सलाह इसके लिए ज़रूर लेनी चाहिए।